मंदिर वापस न करें, आपको जवाब दे सके, मूर्ति बोल सके, ऐसा मंदिर बनाना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा चिंतन है। और उसके लिए शिष्यों के पास मुझे अगर जाना पड़ेगा जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। अगर मेरे पास नहीं होगा होगा तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके बाद उस पैसे का और कोई उपयोग है, दुरुपयोग होगा। बेटे होंगे तो होटल में जाकर रोटियां खाएंगे, ये होगा। मेरे लिए वो काम नहीं आ सकता। मैं ऐसा तटराष्ट्र बनना भी नहीं चाहता, दुर्दन पैदा करके मर जाऊंगा, ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो विज्ञान को जवाब दे सकूं। ये लक्ष्य है, चिंतन ये है, इच्छा ये है, आकार ये है। ये प्रवीण जोशी को भी ये कहा कि कुछ मुझे ऐसा करना है जो मैं काम कर सकूं। अगर भगवान की प्रेरणा होगी तो हो जाएगा। मैं करके दिखा दूंगा कि वहां जाते ही समाधि लग सकती है, मेंटल पीस मिल सकता है। ऐसा क्रिया, ऐसा कार्य प्रारंभ किया है और ट्रस्ट बनाया। उसमें बेटों का नाम नहीं लिखा है मैंने, एक भी बेटा उसमें नहीं है, बाहर के लोग हैं। जिसे कल बेटे उसके ऊपर आवी नहीं हो सके कि नहीं हमारे पिताजी ने बनाई, हमारी चीज है, हमारी कोई चीज है ही नहीं। उद्देश्य लक्ष्य चिंतन ये है। इन उसने बताया कि साधना करें, और जैसा मैं अष्टलक्ष्मी साधना आपको करवाऊंगा, या शाम को दूसरी साधना करवाऊंगा, कल तीसरी साधना करवाऊंगा, कल शाम को वापिस चला जाऊंगा। तो दो दिन का शिविर है, दो दिन का प्रयोग है, दो दिन के लिए आपने बुलाया है, और उसके बाद फिर दूसरी जगह प्रयोग है, वहां जाऊंगा। मगर आने वाले पीढ़ियां 1,25,00,000 मंदिर आप नहीं कर सकती, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। वो नौकरी करेंगे, थके हुए आएंगे, तो फिर आप माला लेके बैठेंगे तो पत्नी चला गया, आलू लाया कि नहीं लाया, सब्जी बनानी है, तुम साला माला लेके खा के बैठ गए हो, ये कौन गुरु आ गया तुम्हारे बड़ौदा में, ये क्या चक्कर चला रखा तुम्हारा, आयु लेके नहीं आ सकते थे क्या? क्या करें, मंदिर जाप करें, गुरु जी की बात माने, इस कर्क सा की रान की बात माने, करें क्या, क्या नहीं करें, तुम बहुत दुखी हो जाओ। संगठन समझ जाता आने वाली पीढ़ियां कैसे होगी, और समस्या सुलझानी, क्योंकि समस्या हमारे सामने एक नहीं है, हजारों हैं, रोज नई समस्याएं पैदा होती हैं। कुछ लोग बीमार हैं, किसी को डायबिटीज है, कोई तकलीफ में है, किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही है, कोई बेटा कपूत हो गया है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, धन का अभाव है, समस्याएं हैं, मुकद में चल रहे हैं, खुद में कमजोरी आ गई है, और भी सैकड़ों प्रकार की समस्याएं उसे जूझ रहे हैं। और उस जूझने में मैं आपको साधना सिखाऊंगा, तो आप जूझते हुए साधना नहीं कर पाएंगे। तब हम दूसरा सत बनाया दीक्षा। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो सदगुरु अपने तपस्या का अंश उसको देकर के उसका कार्य पूरा कर दे। यदि उसने हिमालय में साधना की हो, और हिमालय में साधना वो की हुई हो जो सदगुरु होता है, और दिन मेंबर बना हुआ हो, अपना भगवे कपड़े पहना हो, तो गुरु बनेगा। यदि आपके पास 100 रुपये नहीं है और मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो आपको 100 रुपये निकाल के दे सकते, आपका पर्पज सॉल्व हो गया कि ये 100 रुपये ले, तेरा काम चला दे, रोटी खा ले। और अगर तुम साधना नहीं कर पा रहे हो तो फिर दीक्षा प्राप्त करें, वो अपने तपस्या का अंश दे, और दीक्षा अंश देकर के आपको जो इच्छा है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, मैं टेंस में हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं टेंस में हूँ, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बेटी अच्छे रास्ते पर नहीं चल रही है, बेटा कपूत है, पुत्र पैदा नहीं हुआ है, मैं खुद बीमार हो गया हूँ, डायबिटीज हो गई है, और समस्याएं तो आपके जिंदगी में 15-20 समस्याएं तो होंगी ही होंगी, और उसका कोई हल निकल नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, कोई साइंस के पास रास्ता है ही नहीं उसका, बस वो आपको ट्रैंकुला दे सकती है, गोलियां दे सकती है, और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये हो सकता है कि पहले आदमी की ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, 100 साल की उम्र जिए, 27 होने का मतलब है। अब 27 तो हो ही नहीं सकता, कुछ संभव है ही नहीं। 60 साल, 50 साल, 55 साल, और 70 साल के हो गए तो लोग आज से 70 साल हो गए जिंदा है अभी तक, आज क्या हो गया, मरे नहीं, कुछ हुआ नहीं। और भूल चुको आप 80 साल ले गए तो फोटोग्राफर आएंगे, ये अखबार वाले आएंगे, यू आर 80, हुआ क्या, जिंदा कैसे रह गए आप, अभी तक जिंदा है, सांस कैसे ले रहे हैं। बेटे दुखी साला मरे ही नहीं, साला ये मरे तो कुछ हिस्सा तो मिले, अब वो 100 साल वाली जिंदगी चली गई। मगर बन सकते, बन सकते हैं दीक्षा के माध्यम से, स्वस्थ बने जिए, और मौज के साथ जिए, और मस्ती के साथ जिए, और रोग रहित होकर के जिए, और तनाव रहित होकर के जिए, और समस्याओं को छुटकारा मिल करके जिए, ऐसा जीवन जिए, वह जीवन है। इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने की क्रिया, जो भी आपकी समस्या है, मेरी समस्या और है, आपकी समस्या और है, आपकी समस्या और है, समस्या तो होगी। अब मैं कहूंगा तो ये मंदिर जाकर बेटी के साथ ही होनी है, 1,25,00,000 मंदिर जाकर, अब 6 महीने उसमें गए, अब वो गए तो फिर समस्या बीमारी आ गई, डायबिटीज, अब डायबिटीज के लिए फिर मैं आपको दूसरी विद्या बताऊं, ये 7 बरस उसमें लग गए, तब तक आप खत्म हो जाएंगे, न मैं मिलूंगा ना आप मिलेंगे।
सीधा शॉर्टकट रास्ता होटल में गए, खाना खाया, अपना पेट भरा, आ गए। ऑल राइट, जमुना फास्ट फूड का हो गया है। तो शंकराचार्य समझ रहे थे कि सीधा कोई ऐसा गुरु मिल जाए, वो बता रहा है तुम्हारी जिंदगी के रास्ते में एक बार गुरु जरूर मिलेगा तुम्हें, अगर तुम्हें अक्कल है तो उसमें उसका पांव पकड़ लीजिए, मैं छोड़िए फिर नहीं तो वो अपने रास्ते पे चला जाएगा, तुम शमशान की ओर चले जाओगे, दोनों रास्ते अलग अलग होंगे। बुद्धि है, चिंतन है, विचार है, ज्ञान है, पुरुषों का पुण्य है, तो गुरु का रास्ता पकड़ लोगे, हाथ पकड़ लोगे, अपना हाथ उसके हाथ में सौंप दोगे कि आप डुबो दीजिए या बचा लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं, रिस्क तो जिंदगी ली है, या तो गुरु ये डुबो देगा, मार देगा, खत्म कर देगा, लूट लेगा, या हम बच जाएंगे, तो उनमें से एक ही तो रास्ता होगा। और मैं अभी 25-30 साल मरने वाला हूं नहीं, ये मैं आपको और बता देता हूं, मैं आपके आराम में और दूसरे लोग 100 साल के हुए नहीं हुए, मैं आपको 100 साल के बाद में जिंदा होकर भी बता दूंगा। अभी 70 साल का जिंदा हूं तो 30-35 साल कुछ बिगड़ने का मेरा है नहीं, मुझे मालूम है क्या होना है क्या नहीं होना है, तो मेरा बिगड़ने वाला नहीं तो मेरे शिष्य का भी बिगड़ने वाला नहीं होना चाहिए, वह भी तनाव रहित होना चाहिए, वह भी संपन्न होना चाहिए, वह भी सुखी होना चाहिए, उसके भी मकान होना चाहिए, धन वैभव यश सम्मान प्रतिष्ठा और पुण्य जागरण, ज्ञान चेतना और ईश्वर का दर्शन, दो रास्ते अलग अलग हुए, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक रास्ता भी आपका पूर्ण होना चाहिए, आध्यात्मिक रास्ता भी पूर्ण होना चाहिए। और हमारे पास समय कम है, उसमें से आधा दिन बीत चुका है, आज आधा दिन और रहा है, और आधे दिन में हमें बहुत तेजी के साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा 8 साल बाद आया हूँ, आगे आपका प्यार खींचेगा, हो सकता 6 महीने बाद आऊँ, हो सकता 8 साल बाद आऊँ, हो सकता 20 साल बाद आऊँ, हो सकता आना हो नहीं हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत आपका मेरा प्राणों का संबंध है, शरीर का कोई संबंध है नहीं, शरीर तो बस में भूत सदस्य पुनरागमन होता, शरीर है, आज है, कल चला जाए, कुछ पता नहीं चलता। बट जो भी चिंतन, जो भी ज्ञान, जो भी विचार, जो भी धारणा, जो भी समाधि, जो भी आपके उनमें कुंडली जागरण क्रिया, जो भी प्रभु के दर्शन, ये एक भौतिक साधन पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है। एक तरफ धन है, वैभव है, पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, ऐश्वर्य है, संपन्नता है, श्रेष्ठता है, विदेश गमन है, और जीवन की सारी इच्छाओं की पूर्ति है। दोनों पक्षों का समन्वय होना चाहिए, एक पक्ष से आदमी सब कुछ नहीं बन सकता है, दोनों पक्ष बराबर लेवल पे चलने चाहिए। एक पक्ष में अंधा होकर दौड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं साधना भी करवाऊंगा और मैं शक्तिपात के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। दोनों रास्तों के लिए आपको खुला छोड़ूंगा। अब जितना आपको प्राप्त करना है उतना आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका ये चिंतन आ सकता है कि फिर आप साधना करते हैं तो आप पैसा क्यों लेते हैं, तो आ सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि एक वैश्य है, श्रद्धा अपने आप में एक पतिव्रता स्त्री है, अब डिफरेंस है इसमें, वैश्य किसी की नहीं हो सकती, पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही मानेगी। श्रद्धा है तो गुरु हूं, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, देवी है, जगदम्बा है, दुर्गा है, भवानी है, सब कुछ है। और नहीं श्रद्धा है तो मान लीजिए सूर्य उठा के फेंक दीजिए, मान लीजिए आप गला पकड़ेंगे नहीं, आप बोलेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, वो तो नहीं पकड़ेंगे। आपको श्रद्धा कितनी लाभ उतना मिल पाएगा, इसलिए आपका एक एक पैसा उस मंदिर के लिए खर्च होगा, मेरे बेटे के लिए और मेरे मुंह में जाएगा तो गौ मांस के बराबर है, मुझे उसको नहीं चाहिए पैसा, धन चाहिए नहीं तुम्हारा, कोई आवश्यकता नहीं होगा। पर जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का चिंतन होना चाहिए, जीवन का एक विचार होना चाहिए। प्रवीण जोशी ने कहा कि बड़ौदा आइए, एक बार आप प्रवचन करिए, और मैं भारतवर्ष में नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जाता हूँ, केवल उद्देश्य इतना ही है कि ग्रंथ लेखन करूँ, जो ज्ञान है, जो चेतना हिमालय से प्राप्त किए, उच्च कोटि के योगियों से प्राप्त किए, मैं पुस्तकों में उतारूँ, और जब तक भगवान ने सांस दिए लूँ, और जो कुछ ज्ञान है वह कैसेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से देख करके भगवान के चरणों में लीन हो जाऊं, ये जीवन का उद्देश्य है। और अंतिम क्षण तक अपने शिष्यों का उपयोग कर सकूं, उपकार कर सकूं, सहयोग दे सकूं, उनको पूर्णता दे सकूं, साधना दे सकूं, शक्तिपात दे सकूं, दीक्षा दे सकूं, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों में। इसलिए मैं ठीक 4 बजे फिर आपके पास आऊंगा। अभी तो एक समारंभ शुभारंभ हुआ है, उसमें अष्टलक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, और जो दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षा लेने का मतलब आपको अर्थ समझाया, दीक्षा लेने का मतलब है कि हमारी इच्छा की तुरंत पूर्ति,
आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूं, और जो तो मैं रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं, नजदीक इंडिया में रहता हूं, यहां मैं पूरा संसार घूम चुका हूं, भारतवर्ष में पाकिस्तान जा चुका हूं, चीन भी जा चुका हूं, कोई देश अफ्रीका का कोई देश बचा नहीं है, मेरे में भी जा चुका हूं तुम्हारे, क्यों आधे से ज्यादा हिंदुस्तान तो इंग्लैंड में बसा हुआ है, और वहां पर भी 1.5-2 लाख शिष्य होंगे, कोई यही शिष्य नहीं है, मगर वो भी उतना याद करते हैं। और मैं बता रहा हूं कि मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, 2 महीने बाद आप रिजल्ट देखिए, ऐसा नहीं हो सकता 2 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाए, 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा, 9 महीने बाद ही होगा, पर गर्भधारण तो हो ही जाएगा गारंटी के साथ में, चैलेंज के साथ में। अब तुम कहो 2 महीने बाद बच्चा पैदा करके दिखा दो, तो प्रकृति है, प्रकृति के ढंग से चलेगी, मगर आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। मैंने आपको दोनों रास्ता बताया, और मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकराचार्य बोल रहा है, मैं तो उसकी व्याख्या कर रहा हूं आपके सामने, मैं समझा रहा हूं कि दोनों क्रियाएं हमारे लिए जरूरी है, अष्टलक्ष्मी प्रयोग जरूरी है, और ठीक 4 बजे का मतलब 4 बजे मैं आऊंगा ही, और तब तक गुरु जी मिलेंगे आपसे, आप अपनी समस्याएं बताएंगे, आप में जो दीक्षा लेना चाहेंगे वो दीक्षा लेंगे, गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा का मतलब है आपका और मेरा संबंध, उसको गुरु दीक्षा कहते हैं। मैं कह दूं पार्वती बाई मेरी वाइफ है, पार्वती बाई मेरी वाइफ, उसे पार्वती बाई मेरी वाइफ नहीं बनेगी, वाइफ तब बनेगी जब अग्नि स्थापन होगी, एक ब्राह्मण होगा उसके साथ 8 फेरे खाऊंगा, वो मंत्र पढ़ेगा, तब वो पार्वती बाई मेरी वाइफ बनेगी, फिर बच्चे पैदा होंगे तो लीगल बच्चे पैदा होंगे। आप मुझे गुरुदेव गुरुदेव कहते रहे, मैं आपको शिष्यदेव शिष्यदेव कहता रहूं, उससे तो कुछ होगा नहीं। जब आपके साथ मेरा संबंध बनेगा, वो संबंध बनने की क्रिया को दीक्षा कहते हैं, वह गुरु दीक्षा है। और समझा रहा हूं गुरु दीक्षा किसे कहते हैं, विशेष दीक्षा किसे कहते हैं, समझा रहा हूं आपको। आप चलाते रहे गुरुदेव की जय हो, मैं भी चला रहा हूं शिष्यदेव की जय हो, अब उसे पार्वती बाई की जय हो, पार्वती बाई की जय हो, उस बात में मेरी वाइफ बन नहीं सकती, वह एक संबंध है, उस बात आपका हाथ मेरे हाथ में, फिर आपकी जिंदगी मेरे हाथ में, फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको उस पार लगाऊं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से। वह गुरु दीक्षा हुई, वह विशेष दीक्षा हुई जहां आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, ये साधना हुई जो जीवन में आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम प्रभु के इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकें। और शंकराचार्य अंत में कहते हैं कि इतना होने के बाद ही आदमी के पुण्य इस जीवन के पिछले जीवन के पाप और पुण्य आड़े आते हैं, पिछले जीवन के पाप हैं तो मेरे जाने बात सोचेंगे कि फायदा क्या होगा, ऐसे सैकड़ों गुरु बड़ोदम आए चले गए, ये भी आगे चले गए, छोड़ो। तो समझना चाहिए कि मेरे इस जीवन के पिछले जीवन के पाप आड़े आते हैं, मुझे बुद्धि को बुद्धि दे रहे, पुण्य आड़े आएंगे छोड़ दीजिए, एक लेते एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, कर लेते हैं इस समस्या का समाधान कर लेते हैं। चौथी पंक्ति में समस्या कह रहे हैं कि इसी से मालूम पड़ जाता है कि आदमी पशु तुल्य है या मानव तुल्य है। पशु और मनुष्य में डिफरेंस इतना ही है, पशु भी सांस लेता है, मनुष्य भी सांस लेता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है, पशु भी घास खाता है, मनुष्य भी अन्न खाता है, पशु भी मर जाता है, मनुष्य भी मर जाता है, फिर डिफरेंस क्या हुआ है, दोनों एक जैसी क्रिया करें, तो उसको सोच नहीं सकता, विवेक नहीं कर सकता, मनुष्य विवेक से कर सकता है ये उचित है या अनुचित है, पशु तो खूंटे से बांध दिया बांध दिया, इसलिए आप पशु हैं या मनुष्य हैं ये तो आप निर्णय कर सकते हैं। ये है कि ये 4 पैर वाला पशु है, हम 2 पैर वाले पशु हैं, डिफरेंस इतना ही है, शंकराचार्य कह रहे हैं, मगर ये आश्चर्यजनक है कि ये 2 पैर वाला पशु चल रहा है, ये आश्चर्य, डिफरेंस गैपिंग कुछ नहीं है, बस फिर भी घास खा करके दूध तो पैदा कर रहा है, हम तो रोटी खा करके केवल मल पैदा कर रहे हैं, और मिठाई खा करके भी मल ही पैदा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मिठाई खाएंगे, जलेबी खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, घेवर खाएंगे, बनेगा मल, और वो घास खा करके भी दूध पैदा कर लेगा, हमसे पशु इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ है, मगर विवेक हमें ज्यादा है। विवेक तब पैदा होगा जब आपके सामने सदगुरु पैदा होगा, सदगुरु मिलेगा। आज का दिन था, रास्ते पर आप चल रहे थे, मैं इस रास्ते पर चल रहा था, बीच में आप मिल गए, एक क्षण के लिए मिले, एक दिन के लिए मिले, आप हाथ पकड़ा देंगे, पकड़ लूंगा, आप छुड़ा कर चल देंगे, तो आप अपने रास्ते पर चलेंगे, ये रास्ता सीधा शमशान की ओर जा रहा है जहां आप जा रहे हैं, आज नहीं 20 साल 25 साल 50 साल बाद, फिर अगले जीवन में गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने तो आपको अपने आपके पूर्वजों के नाम स्मरण करवाए, मैंने तो एक ठोकर मारी है,